कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर की कई सड़कों के नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाम हक हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। शहर के कई इलाकों में नशेबी मकामात पर पानी जमा हो चुका है। शहर कायद में बादलों के डेरे और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हालिया बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान कहीं तेज तो कहीं शदीद मूसलाधार बारिश भी मुतवक्को है। तेज पहल है, मुसलसल 3 दिन बारिश है, तो उसके बाइस जो नशेबी इलाके हैं खासकर वहाँ पर पानी वानी भी जमा हो सकता है, तो काइंड ऑफ अर्बन फ्लडिंग जनरेट हो सकती है कराची में भी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुलशन हदीद में 62, बिन कासिम में 44, कैदाबाद में 29, सुरजानी में 19, कोरंगी में 18, यूनिवर्सिटी रोड पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में हर साल की तरह इस मरतबा भी बलदियाती इदारों की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। शहर के नशीबी मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गटर इसमें भर रहे हैं यहाँ से और ये गटर का पानी निकलता, सड़कें खराब हो जाती हैं। बारिश तो होती है कम, पानी हो जाता है ज्यादा, निकल नहीं पाते, बच्चों को बाहर नहीं निकालते। बहुत बुरा हाल है, गंदी गलियाँ आप देख लें, हमारी छोटी गलियाँ कचरों का ढेर बनी हुई है, थोड़ा सा काम कराते फिर चले जाते हैं, तबाही तबाही है यहाँ पे। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शहर में अवामी आगाही के लिए इंतहाई खतरनाक करार इमारतों पर बैनर्स लगा दिए गए। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।